रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। फरीद भाई और ये रहा विनोद भाई, अभी हम होटल में आ गए। लेटेस्ट न्यूज़ विनोद भाई ने हमारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है, तो मुझे पूरा शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मजे में होंगे, मजेदार होंगे। तो करते हैं आप सबको अपने YouTube चैनल में वेलकम। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook पेज को फॉलो करना। तो करते हैं आज का प्यारा सा इंटरेस्टिंग ब्लॉग स्टार्ट। तो देखने दिन भर का प्रॉक्स क्या रहता है। तो मैं आज मुदसर भाई के घर पर हूँ, तो मैं आपको पहले बाहर का व्यू दिखाऊंगा। वहाँ पे बर्फ पड़ रही है बाहर, क्या बाहर का व्यू, यहाँ से बर्फ पड़ रही है। तो ऊपर कबूतर बैठे हैं छत के ऊपर, तो देखिए माशाल्लाह क्या सीन है। ये नीचे का बर्फ है। आजे भाई अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या कहना चाहते हो आप बर्फबारी के बारे में? बर्फ बढ़िया पड़ रही है। हाँ यस सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नजीम सर तो व्लॉग बनावा, अम्स व्लॉग वैनल फॉलो कर, शेयर कमेंट। थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो। तो अब निकल गए गाइस हम घर। तो ये रहा लोकेशन इधर साइड से, इस साइड मुदसर भाई का गेट है। अब हम घर निकलेंगे, तो बर्फ काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है इस वक्त, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी है। तो मैं आपका बाहर का सीन दिखाऊंगा। तो ये रहा मेन मार्केट का लुक गुलाबबाग का। तो यहाँ पर और वो रहा भाई साहब जी, मैं घर जा रहा हूँ भाई। नहीं थैंक यू सर, आप कुछ कहना चाहते हो? अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप ऑडियंस को बताओ कुछ। आज बहुत मजा है यार। हाँ मजा है, मजा में मजा है। और बस बढ़िया। नहीं थैंक यू सर, आप घर जाएंगे तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट। अभी जुनैद भाई का घर जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे जूते और कपड़े लेने हैं। मैंने कपड़े जूते वहीं पर रखे हैं, तो फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगा। तो मैं आपका दिखाऊँगा लोकेशन। ये रहा लोकेशन जुनैद भाई के घर की। घर अब ये है परेश भाई, ये है बिलाल भाई, वो है जुनैद भाई। अभी ये गाड़ी बाहर निकाल रहा है, तो मैं इसको गेट ओपन कर दूंगा, गेट खोल दूंगा। सेल्फी शूट हो रहा है। ओ बिलाल भाई क्या कहना चाहते हो? तो फाइनली गाइस हम चल चुके हैं जुनैद भाई के गाड़ी में, तो इसने बोला कोई सरप्राइज मिलने वाली है। तो गाइस फाइनली हम जुनैद भाई के घर से निकले हैं। तो अभी यहाँ का मौसम देखो, काफी बर्फ पड़ रही है और हम भी एंजॉय कर रहे हैं अभी गाड़ी में। जुनैद भाई ने आज हमें कुछ सरप्राइज रखा है, देखते हैं जुनैद भाई ने हमारे लिए क्या सरप्राइज रखा है। है ना जुनैद भाई? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमें भी बोलो ना क्या सरप्राइज है। नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसे नहीं बोल सकते, आपके लिए रखा है कुछ सरप्राइज। चलो हम भी हम आपको पहले ही बोलूंगा तो फिर सरप्राइज का फायदा क्या। चलो हाँ ये भी ठीक है, तो हम भी देखेंगे, है ना नदीम भाई, हम भी देखेंगे जुनैद भाई ने हमारे लिए क्या रखा है। चलो हम दिखाएंगे आपको जरूर। जुनैद भाई इस लोकेशन पर हमें लाया है, तो पता नहीं है क्या सरप्राइज रखी है जुनैद भाई ने मुझे। देखते हैं जुनैद भाई ने हमारे लिए सरप्राइज क्या रखा है। चलो जुनैद भाई, चलो वेट करो ना जुनैद भाई। क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। गिर गया था यार, पता नहीं जुनैद भाई कहाँ जा रहा है। रेस्टोरेंट में जुनैद भाई ने लाया हम। ये रहा फरीद भाई और ये रहा बिलाल भाई। लेटेस्ट न्यूज जुनैद भाई ने हमारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है, तो मुझे पूरा यकीन है बस हम अभी होटल में आ गए और अभी वेट कर रहे हैं खाने को। अभी देखते हैं क्या ऑर्डर किया होगा। मुझे लग रहा है आज बिरयानी खाने का मूड है आज।
अरे भाई क्या कहना चाहते हो? तो गाइस यहाँ पे प्लेट डाले गए हैं, तो गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह जुनैद भाई ने वाजवान बिरयानी ऑर्डर की है। यहाँ पर हम सब भाइयों को बिरयानी खिला रहा है जुनैद भाई माशाल्लाह। मे अल्लाह ब्लेस यू जुनैद भाई, अल्लाह आपको खुश रखे सलामत रखे। फाइनली गाइस अभी हम यहाँ से बिरयानी खा के वाजा बिरयानी जो कि बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ा था। और जुनैद भाई ने पता क्या किया, आज दो दो चार चार बार खाया और मैंने पांच बार खाया। नदीम भाई ने आज सिर भी नहीं उठाया, खाली खाता खाता खाता, मगर आज इसने बहुत ही हमारे लिए सरप्राइज रखा था। तो आज मैंने इनको स्पेशली वाजवान बिरयानी खिलाई, तो इसने बोला था मुझे बिरयानी खिलाओ, मैंने बोला चलो मैं आपको कुछ स्पेशली खिलाता हूँ। तो इनको हमने वाजवान बिरयानी खिलाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और इंशाल्लाह सुबह एक्चुअली ना सुबह 10 बजे आया था जुनैद भाई हमारे वहाँ पे घर पे, बोल रहा था आज आपके लिए हमने रखा है सरप्राइज। और अभी इसका फ़ोन आया यहाँ पे, तो देखते हैं आगे क्या हमारा प्रोसेस रहेगा। तो हमारा प्रोसेस ये है कि आज हम घर जा रहे हैं और जुनैद भाई हमें ड्रॉप करने के लिए वहाँ सोपोर में छोड़ेंगे, तो वहाँ से अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के अपने अपने घर जाएंगे। मेन मार्केट तो गाइस जुनैद भाई ने मुझे चौक में छोड़ा है यहाँ पर। तो भी ये लोकेशन देखिए आप खुद, यहाँ पर भी खुद देख सकते हो, ये रहा सोपर का टांगा जो कि मशहूर है इधर। है ना यहाँ पर ये देवर हजरत है यहाँ पर। तो भाई क्या कहना चाहते हो? तो बोलो बोलो कुछ जो भी आपको मन में आए। हाँ मजा मजे में, ठीक है ठीक है।